लेफ़्ट साइड पे ये आप देख रहे हैं ये एक पार्क है मेन एंट्रेंस आप आपको मिल चुकी भी है छोटी मोटी मशीनरी आपको नजर आएगी जहाँ तक आप देखेंगे आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी फ्यूचर uh, में बड़ा प्रोजेक्ट है कंप्लीट होने में ज़रूर उसको टाइम लगेगा डेफिनेटली लेकिन

और इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि रूट मैप आप आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ये आप देख रहे हैं एम टू मोटर के ऊपर जो शाहबाद टूल है इसको हम क्रॉस करेंगे और स्लाहबाद टूल क्रॉस करने के बाद हमारा रूट कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ होगा ये हम एम टू मोटरवे को टूल क्रॉस करने के बाद एम टू मोटरवे के ऊपर आ चुके हुए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक बहुत वास्ट आपको लैंड मोटरवे के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आ सकती है ये एक इंटरचेंज है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अप्रूव हुआ है एम टू मोटर के ऊपर और इस इंटरचेंज से महज़ सिर्फ और सिर्फ अट्ठारह किलोमीटर एयरपोर्ट का डिस्टेंस बनता है इसके अगर एक्सेस जो है वो ओपन कर दिया गया हुआ है और आपको पता है कि इस इंटरचेंज के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी का आ, जो वैल्यू में इजाफा हो जाएगा वो ठीक ठाक इजाफा हो जाएगा और कैपिटल स्मार्ट सिटी का फोकस इस वक्त इंटरचेंज को कंप्लीट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा है इस इंटरचेंज uh, को जो है वो कंप्लीट होने में थोड़ा सा अर्सा ज़रूर दरकार है लेकिन जब ये कंप्लीशन की तरफ चले जाएगा तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक एडवांटेज मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा हीज होगा नाजीन एम टू मोटर के ऊपर आप लेफ्ट साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की बहुत वास्ट लैंड देखते हैं और डेवलपमेंट होते हुए भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो रहा होता है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड कितनी है और वो डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर है उससे ठीक ठाक आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं चक्री इंटरचेंज का जो डिस्टेंस बनता है वो कमो बेस तकरीबन तीस मिनट की ड्राइव में है और यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रेट यही एम टू मोटेवे लाहौर जा रहे हैं और लेफ्ट जो है वो चक्री और धमियाल की तरफ जा रहा है यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और मैं आपको चक्री चक्री जो आप सुनते रहते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर स्टिल करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हम एक्सेस करने लगे हैं चक्री इंटरचेंज को और ये हमारे सामने चक्री इंटरचेंज ये नाज़िन वो चक्री इंटरचेंज है जिसके बारे में आप मसलसल सुनते रहते हैं लोगों से कि चक्री इंटरचेंज क्या है एक्सेस करने के बाद हम आप देखेंगे सामने आपको नज़र आएगा कि धमियाल का क्या रोड है और चक्री लेफ़्ट साइड पे मिलता है और हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे धमयाल वाला जो रोड है उसको भी चक्री रोड ही कहलाता है और उसी रोड को राइट पे जब हम यहाँ से टर्न करेंगे तो उस रोड के ऊपर आपको सामने रावल पंडी भी नज़र लिखा हुआ आएगा वो आपको रावल भी लेके जाएगा ये आपके सामने मौजूद है स्ट्रेट इसको हम फॉलो करते हुए स्ट्रेट जाते रहेंगे चक्री रोड को तो आप तमाम सोसाइटीज़ को जो है वो इसी रोड के थ्रू एक्सेस करेंगे जो कि चक्री इंटरचेंज से जिनका डिस्टेंस बताया जा रहा होता है कि ये क्या है और वो क्या है ये नाजिन कैबर स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस के ऊपर हम आ गए चक्री इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस करते हुए आपको वेलकम करते हैं डायरेक्ट मेन जो आप देख रहे हैं ये मेन बोलेबाड है यहाँ पर जो लैंड जो आप बेसिकली देख रहे हैं ये है ओवरसीज प्राइम की लैंड ठीक है और इसके अंदर ये ओवरसीज़ प्राइम है तो प्राइम स्पॉट भी है बेसिकली और इसकी एक खास अहमियत है वैल्यू है इसके ऊपर गर्ल्स कॉलेज भी बन रहा है बॉयज़ स्कूल भी बन रहा है ठीक ठाक डेवलपमेंट हो रही है जहाँ तक में ये आप देख रहे हैं ये एक मेन एक्सेस पॉइंट है यहाँ से आप एंटर हुए ठीक है लेफ्ट साइड पे तमाम लैंड जो आप देख रहे हैं ये ओवरसीज प्राइम का लैंड है और इस ओवरसीज़ प्राइम के लैंड एक तो हाइटेड है ठीक है और इसकी ठीक ठाक वैल्यू है और ओवरसीज़ प्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइम स्पॉट है इसकी इस वीडियो के अंदर नाजिन मैं आपको मशीनरी भी दिखाऊंगा और जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि जहाँ तक आप देख रहे हैं ये तमाम लैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी की है और जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की ही है और पिछले चार से पाँच सालों के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये कुछ अचीव किया है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ ये वीडियो आप देख रहे हैं सामने आप वो स्ट्रीट देख रहे हैं वो भी कैबर स्मार्ट सिटी के है ये मवेशी जो दिख रहे हैं आपको खाना खाते हुए ये भी कैबर स्मार्ट सिटी का है तो वो काम डेवलपमेंट का अंदाज़ा आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी आपको लैंड जब से हम एंटर हुए हैं वो जितना भी एक्सेस आता है यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कमर्शियल्स जो है वो इनाग्रेटेड किए जाएंगे और उसके बाद जो है आपको आइडिया होगा कि क्या है कि वापस हम ओवरसीज़ प्राइम के लैंड के ऊपर ही है यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं कि कैबर स्मार्ट सिटी जो है वो क्या है उसकी क्या लोकेशन है ओवरसीज़ प्राइम के इन्वेस्टर्स जिन्होंने अर्ली बेसिस पे इवन अभी थोड़े टाइम पहले भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उनके पास ये बहुत ज़्यादा प्राइम स्पॉट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी है एक प्लॉट है या एक उनकी फाइल जो है जो भी है वो यहाँ पर उनके लिए बहुत बेनिफिशल साबित हो सकती है तो जो भी इन्वेस्टर इनिशियल बेसिस पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि वो क्या उनकी जो है डेवलपमेंट है और इस वक्त क्या प्रोसीजर है वो तमाम तर चीज़ें मैं कोशिश करूँगा वाजे तौर पर रख सकूँ नाजीन स्ट्रीट लाइट्स भी आप देख रहे हैं और ये तमाम रोड जो है ये मेन एक्सेस आपका वही मेन बुलेवर्ड है जो कि आपको कनेक्ट करेगी डायरेक्ट जाके के ओवरसीज ईस्ट के अंदर और कमर्शल आपको नज़र आएंगे सामने मैं अभी आपको लेके भी चलता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की नाजी मैं कोशिश होती है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट uh, को अगर कवर कर रहा हूँ तो मैं उसकी जो रियलिटीज़ हैं वो आपके सामने रखूँ और कोई मुझे इतना वो भी नहीं है कि मैं जो है वो एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट करूँ जो भी चीज़ें आपके सामने वो मौजूद है लेफ़्ट साइड पे ये आप देख रहे हैं ये एक पार्क है मेन एंट्रेंस समझें आपको आपको मिल चुकी भी है यहाँ पे ट्रैक्टर्स वग़ैरह भी जो है वो मुसलसल आ रहे होते हैं ये सामने मस्जिद है जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हुआ हूँ और उसके सामने उसके मेरे राइट right साइड पे जो आप कमर्शल देख रहे हैं वो भी अपने तक आखिरी मराइल की तरफ है और सामने जो ये आप अपार्ट घर देख रहे हैं दस मरले के ये भी कंस्ट्रक्शन के एंड के ऊपर चल रहे हैं ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का समझे पार्क है जो कि ऑपरेशनल है तमाम लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं इसको भी देख रहे होते हैं इसके सामने जो आप देख रहे हैं दस मरले कमर्शियल के जो बिलाज़ हैं ये भी ऑलमोस्ट कम्पलीशन की तरफ जा रहे हैं फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं और ये ओवरसीज ईस्ट कहलाता है ये जोन जो अभी है और इसको हम थोड़ा सा जाके वो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वगैरह भी कैवर स्मार्ट सिटी कह रहा होता है ये थोड़ा सा फ्रंट मैंने आपको दिखाने के लिए लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं वाटर टैंक भी है और ये फ्रंट है इनके सामने ये इस तरह से पार्क भी आता है और ये बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेटेड है और इन विलास की काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड भी है और ऑलरेडी लोग इसमें इन्वेस्टेड कर चुके हैं ये मस्जिद ऑपरेशनल है जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हुए हैं यहाँ पे लोग नमाज भी अदा करते हैं वर्कर्स भी अपनी नमाज अदा करते हैं और अच्छे से जो है वो इसका ख़्याल भी रखा जाता है ये कमर्शल आ गए कैपिटल स्मार्ट सिटी के और ये इस वक्त जो भी पाँच साल में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अचीव किया है उसकी कोशिश है कि थोड़ा बहुत मैं आपको उसमें जितना मैं कर सकता हूँ मैं दिखा सकूँ क्योंकि जाहिर सी बात है एक लाख कनाल का जो लैंड है मैं पूरा एक्सेस नहीं कर सकूँगा उसको एक ट्रिप के अंदर और ये थोड़ा सा सेकेंड एक्सेस पॉइंट है जो आप देख रहे हैं जो कि कम्प्लीट होगा अभी थोड़े टाइम के अंदर और ये भी थोड़ी डेवलपमेंट जो भी आप देख रहे, है। जहां आप रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़रें और जहाँ तक मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है ये तमाम लैंड लेवलिंग जो भी आपको नज़र आ रही है डेवलपमेंट ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ने की है पिछले पाँच सालों के अरसे में ये वाकई में एक शहर है और इसका जो है वो एक लुक जो है वो नज़र आ चुका हुआ है नाजिन ये आ, मशीनरी का भी मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ कि मशीनरी का काम किस तरह से है किस तरह की मशीनरी है क्या डेवलपमेंट एक्सेस पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो के अंदर और जहाँ तक जो मुझसे हो पा रहा है मैंने आपको कोशिश की है कि इसमें कवर कर सकूँ ये देख रहे हैं आप छोटी मोटी मशीनरी आपको नज़र आएगी जहाँ तक आप देखेंगे आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी फ्यूचर में बड़ा प्रोजेक्ट है कंप्लीट होने में ज़रूर उसको टाइम लगेगा डेफ़िनेटली लेकिन ये जो चीज़ें कमिट कर रहा है अगर उसका 50 परसेंट भी अचीव कर देता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है नाजिन उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़